हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारी पोयम ए प्रेयर फॉर माय डॉटर, विच इज रिटन बाय विलियम बटलर येट्स, एंड दिस इज द सेवंथ लेशन ऑफ योर टेक्स्ट बुक। तो इसके फर्स्ट थ्री स्टेंजास हमने फर्स्ट वीडियो के मतलब फर्स्ट पार्ट में किया था। अब सेकेंड पार्ट में हम इसके बाकी बचे हुए सेवन स्टेंजास कम्प्लीट करेंगे। पोएट अपनी न्यू बॉर्न डॉटर के लिए प्रे करता है कि वो किस तरह की खूबसूरती उसमें होना चाहिए और उसकी लाइफ में वो कैसी होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं फोर्थ स्टेंजा। प्रे करता है पोएट हेलन बीइंग चूजन फाउंड लाइफ फ्लैट एंड डल एंड लेटर हैड मच ट्रबल फॉर ए फूल व्हाइल दैट ग्रेट क्वीन दैट रोज आउट ऑफ द स्प्रे बीइंग फादरलेस कुड हैव हर वे येट चूज ए बैंडी लेग्ड स्मिथ फॉर मैन। तो हम पहली दो लाइन का देखते हैं जिनमें एक एग्जांपल दिया है, अगली दो लाइनों में दूसरा एग्जांपल दिया है। तो फर्स्ट लाइन में उन्होंने फर्स्ट वर्ड है हेलेन। हेलेन एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी जो कि ग्रीक लीजेंड्स थी। हेलेन जो कि एक खूबसूरत लेडी थी और उन्होंने शादी जो है मॉनिलस नाम के व्यक्ति से की थी जो कि स्पार्टा का किंग था। बट वो अपनी मैरिज लाइफ से सेटिस्फाई नहीं थी और इसलिए उन्होंने जो है क्या कर लिया, किसी और के साथ उनका इलॉप्ड हो गई वो, जिसका नाम था पेरिस जो कि ट्रॉय का राजकुमार था, और उसके साथ वो भाग गई, जिसकी वजह से ट्रॉय और स्पार्टा के बीच में 10 साल तक जो है वॉर चला, जिसकी वजह से ट्रॉय और ग्रीक्स दोनों ही क्या हो गए, बर्बाद हो गए, डिस्ट्रक्ट हो गए। तो पोएट ने हेलेन जो यूज़ किया है वर्ड, वो एक डिस्ट्रक्टिव ब्यूटी के लिए यूज़ किया है। तो उनका कहने का मतलब है हेलेन ने जिस तरह से एक व्यक्ति से शादी करी, उससे सेटिस्फाई नहीं रही, तो उसकी लाइफ बात की काफ़ी फ्लैट और डल हो गई। एंड लेटर बाद में जो है वो क्या हुई, एक फूल के साथ। फूल किसको बोला है यहाँ पर, फूल बोला है जो प्रिंस है ट्रॉय का, है ना, पेरिस जिसका नाम है, उसको मूर्ख बोला है कि बाद में वो मूर्ख के चक्कर में पड़ गई और उसके साथ भाग गई, जिससे कि काफ़ी ट्रबल, काफ़ी परेशानियाँ खड़ी हो गई। वहीं दूसरी तीसरी लाइन में वो एग्जाम्पल देता है ग्रेट क्वीन का। ये ग्रेट क्वीन जो है वो वीनस के बारे में बोला है, जो रोमन की गॉडेस, रोमन की एक देवी है जो कि पूजी जाती है उसकी ब्यूटी और लव के लिए। वो कहता है कि वो समुद्र से स्प्रे, SPRAY, इसका मतलब होता है फोम, सी फोम, है ना, जो समुद्र के झाग है उससे पैदा हुई थी, और बाद में जो कमल है लोटस, लोटस के ऊपर फ्लोट करती हुई या तैरती हुई मिली थी। तो ये जो ग्रेट क्वीन थी जो पैदा हुई थी, जिसका कोई, है ना, बीइंग फादरलेस मतलब जिसका कोई पिता नहीं था क्योंकि ये समुद्र से पैदा हुई थी, कुड हैव हर वे मतलब उसकी अपनी, कुड हैव हर ओवन वे मतलब क्या हुआ, बिकम सेल्फ विल्ड, वो बिल्कुल सेल्फ विल्ड थी, अपनी इच्छा से अपने निर्णय वो ले सकती थी क्योंकि उसका कोई पिता नहीं था। तो उसने क्या किया, येट चूज ए बैंडी लेग्ड स्मिथ फॉर मैन। तो उसने एक बैंडी लेग्ड स्मिथ को चुन लिया, है ना, जो कि कौन था बैंडी लेग्ड जो था वो कौन था, वो एक ऐसा व्यक्ति था जो कि जो वीना से जिसने उससे शादी करी थी, और ये अगली लुकिंग जो है आयरन स्मिथ था, वो भी गॉड्स का आयरन स्मिथ। तो उससे इसने शादी कर ली थी, परंतु बाद में ये उससे सेटिस्फाई नहीं रही, और बाद में उससे सेटिस्फाई नहीं होने के कारण उसने उसके साथ अनफेथफुल बिहेव किया, और उसकी वजह से भी जो है क्या हो गई, वो अपनी लाइफ को बर्बाद कर लिया और उसका लव जो है वो फाल्स लव माना गया। तो पोएट ने इसको यूज़ किया है, क्वीन जो ग्रेट क्वीन है, इस वर्ड को इसलिए यूज़ किया है एक सिंबल के रूप में। जैसा मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो में ही कहा था कि इसमें जगह जगह जो चीज़ें यूज़ करी है वो सिंबॉलिक यूज़ है, तो ग्रेट क्वीन का जो है एज ए सिंबल यूज़ किया है ऑफ वेन ग्लोरी एंड फाल्स लव के लिए यूज़ किया है। तो कहते हैं कि उस का डिसीजन खुद के हाथ में था, फिर भी उसने एक ऐसे व्यक्ति से शादी करी जिससे वो बिल्कुल खुश नहीं थी। और ये ठीक एक और एग्जांपल देके एक्सप्लेन करता है, इट्स सर्टेन दैट फाइन वुमेन ईट ए क्रेजी सलाड विद देयर मीट वेयर बाय द हॉर्न ऑफ प्लेंटी इज अंडन। तो क्या कह रहे हैं कि एक वुमेन जो कि अच्छी है, फाइन वुमेन है ना, समझदार है, लेकिन वो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से क्या करती है, कुछ सिली आर्टिकल जो है वो सलाद बनाकर उसका खाती है, तो अपने अच्छे मीट के साथ। तो वो फिकल्ड माइंडेड जिसको बोलते हैं, एक जिसका संतुलन बिगड़ गया हो, तो ऐसे असंतुलित जो महिलाएं हैं वो क्या करती है, ऐसा ही करती है, और इसकी वजह से क्या होगा, वेयर बाय द हॉर्न ऑफ प्लेंटी इज अंडर।
तो हॉर्न ऑफ प्लेंटी जो वर्ड यूज किया, अगेन ये ग्रीक माइथोलॉजी का वर्ड है, जिसका मतलब होता है कि एक ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग एक बकरी है, बकरी का एक सींग वाली बकरी है जो यूज किया जाता है प्रॉस्पेरिटी और जॉय के लिए। तो ऐसी औरत जो कि अपने खुशी के लिए कुछ भी मतलब कि कर लेती है ना, उल्टा सीधा कुछ भी कर लेती है, लेकिन बाद में क्या होता है उसको पछताना पड़ता है। तो पोएट चाहता है कि ऐसी ब्यूटी उसकी जो डॉटर है उसमें उसको नहीं चाहिए। नेक्स्ट स्टेंजा में कहता है, इन कर्टसी आई वुड हैव हर चीफली लर्न, क्या प्रे कर रहा है कि मैं चाहता हूं कि कर्टसी जो है वो, यानी कि विनम्रता जो है, एक अच्छे संस्कार जो है उसकी बेटी में आए। हार्ट्स आर नॉट हैड एज ए गिफ्ट बट हार्ट्स आर अर्न, कहता है कि जो हृदय है, दूसरों के दिल है, वो जीते जाते हैं, है ना, उनको कमाया जाता है, मतलब उनको अर्न नहीं किया, उनको जो है वो बनाया नहीं जा सकता, आर्क नहीं किया जा सकता, बल्कि आर नॉट हैड एज ए गिफ्ट, वो गिफ्ट में नहीं मिलते। लोग आपको पसंद करते हैं, ये गिफ्ट में नहीं मिलता है, ये तो क्या होता है आपकी अच्छाइयों की वजह से होता है। बाई दोज देट आर नॉट एंटायरली ब्यूटिफुल येट मैनी दैट हैव प्लेड द फूल, और वो लोग जो कि नॉट एंटायरली ब्यूटिफुल, यहाँ पर एंटायरली का मतलब क्या, एंटायरली का एक जो वर्ड यूज किया है उसका संपूर्ण नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है एक तरह से एक अपन बोलते हैं ना कि जो व्यक्ति रहता है और उसकी जो खूबसूरती है, वो खूबसूरती किस तरह की, आकर्षित करने वाली। तो जो आकर्षित करने वाली खूबसूरती जिन लोगों के पास नहीं है, उनमें से अधिकतर लोग क्या करते हैं, दैट हैव प्लेड द फूल, वो क्या करते हैं, वो मूर्ख बन जाते हैं, है ना। फॉर ब्यूटी इज वेरी सेल्फ, किसके पीछे मूर्ख बन जाते हैं वो, अगेन फूल, जैसा कि पेरिस ने किया था, है ना, एक शादीशुदा औरत जिसने कि अपने पति को धोखा दिया, उसको भगा के ले गया, उससे शादी कर ली और बाद में अपने पूरे साम्राज्य का नाश करवा लिया। तो वैसे मूर्ख लोग जो है वो सिर्फ ब्यूटी को ही क्या देते हैं, तवज्जो देते हैं और उसके पीछे भागते हैं, हैज चार्म मेड वॉइस, और ये लोग जो है वो क्या होते हैं, जो वॉइस लोग हैं वो भी उस चार्म के पीछे, है ना, मूर्ख बन जाते हैं। एंड मेनी ए पुअर मैन दैट हैज रोड, और कई सारे बेचारे ऐसे गरीब लोग हैं जो कि रो करते हैं, घूमते रहते हैं, किसके पीछे, लव एंड थॉट हिमसेल्फ बिलव्ड, और वो चाहते हैं कि उनको कोई प्यार करे, इसके पीछे वो भागते रहते हैं। फ्रॉम ए ग्रेट काइंडनेस कैन नॉट टेक हिज आइज, तो ग्रेट काइंडनेस टेक हिज आइज, इसका मतलब क्या हुआ कि अल्टीमेटली ऐसे जो लोग जो वुमेन के पीछे भागते हैं और वो धोखा खा लेते हैं, मूर्ख बन जाते हैं, तो एंड ऑफ द डे उनकी आंखें खुल जाती है और वो उस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो किस तरह की है, जो काइंड हार्टेड है ना, जो वाकई में इनोसेंट है, उस लड़की से वो शादी फिर कर लेते हैं। तो ऐसे कई सारे गरीब है बेचारे, जो मतलब बेचारे हैं, जो मूर्ख है बन जाते हैं इस ब्यूटी के चक्कर में। तो पोएट चाहता है कि उसकी बेटी जो है इन चीज़ों को लर्न करे, वो लर्न्ड हो, उसके अंदर कर्सी हो, है ना, इनोसेंस हो उसके अंदर, ऐसा कोई फूल बनाने वाली या चार्म ब्यूटी उसकी ना हो जिससे कि वो लोगों को बेवकूफ़ बना सके। नेक्स्ट स्टेंजा में क्या कहते हैं, मे शी बिकम ए फ्लोरेस हिडन ट्री दैट ऑल हर थॉट्स में लाइक द लिनेट बी, क्या बोल रहा है, अपनी बेटी को वो चाहता है कि वो एक हिडन ट्री, फ्लोराइज्ड, फ्लोराइजिंग हिडन ट्री, फ्लोराइजिंग मतलब जिसमें फल फूल आ रहे हो लेकिन वो लोगों को दिखाता नहीं है, ऐसा ट्री जो है वो छुपा हुआ पेड़ की तरह वो बनाना चाहता है जिसमें अपार गुण हो, अच्छाइयाँ हो, परंतु वो उनको शो ना करती हो, और उसके थॉट्स जो विचार है वो एक लिनेट बी, लिनेट बी क्या है, पक्षी है जिसका जो सॉन्ग होता है वो एक तरह जॉय के साथ गाता रहता है, एन्जॉयमेंट के साथ गाता रहता है। तो वो चाह रहा है कि उसकी बेटी के अंदर भी ऐसे उसके विचार जो है वो एन्जॉयमेंट वाले, उस लिनेट बी मतलब लिनेट पक्षी की तरह हो जो हमेशा गाती रहे, खुश मिजाज हो, मतलब एन्जॉयमेंट भरी उसकी जीवन हो। एंड हैव नो बिजनेस बट डिस्पेंसिंग राउंड, और वो जो पक्षी होता है लिनट, उसका क्या कोई काम नहीं रहता है, सिर्फ क्या रहता है वो डिस्पेंसिंग, मतलब वो क्या करता रहता है, वो जो गाता रहता है वो चारों तरफ फैलाता रहता है, मतलब अपनी आवाज का जो है वो गीत जब गाता है तो चारों तरफ और सुनाई देता है, तो खुद तो एंजॉय करता है और दूसरों को भी वो एंजॉय करवाता है। देयर मैग्नानिमिटीज ऑफ साउंड, उसका जो साउंड है उसकी मैग्नमिनिटीज मीन्स उसकी जो एन्जॉयमेंट है ना, डिलाइटनेस है, स्वीट सॉन्ग्स है, उसका स्वीटनेस ऑफ द सॉन्ग्स कैन बी हियर्ड बाई अदर्स ऑल्सो एंड दे कैन एन्जॉय, वो लोग भी एन्जॉय कर सकते हैं जो उसके मधुर सॉन्ग को सुनते हैं।
नॉर बट इन मेरीमेंट बींग बिगिन ए चेस। अब वो क्या चाहता है कि उसकी बेटी किसी तरह की चेस, मतलब किसी तरह की पीछा नहीं करे, किसी चीज़ के लिए पीछा नहीं करे। नॉर बट इन मेरीमेंट ए क्वारल, और ना ही वो किसी चीज़ के क्वारल या किसी चीज़ के झगड़ालू हो, मतलब उसकी बेटी ना तो किसी चीज़ के प्रति झगड़ालू हो और ना ही जो है वो किसी प्लान्ड एफर्ट करे किसी हैप्पीनेस को ढूंढने के लिए, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि वो ऐसी बने कि उसको किसी तरह का क्वारल या कोई झगड़ा में वो ना पड़े ताकि उसको कोई खुशी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओ मे शी लाइव लाइक सम ग्रीन लॉरेल रूटेड इन वन डियर परपेचुअल प्लेस। तो वो क्या चाह रहा है कि उसकी बेटी के अंदर ऐसा कैरेक्टर हो कि वो एक ग्रीन लॉरेल, लॉरेल मीन्स जो ट्री होता है, एवरग्रीन ट्री होता है, उस ट्री की तरह रहे जो कि एक ही जगह रूटेड रहे, अपने सबसे अच्छी जगह जो परपेचुअल प्लेस है जहां पर वो पैदा हुई है उस चीज़ से वो जुड़ी रहे और वो यहां वहां भटकने वाली ना बने, अपनी खुशी को ढूंढने के लिए यहां वहां भटकने वाली ना बने, बल्कि अपने अंदर ही उस जो लिनेट बर्ड है उसकी तरह अपने अंदर ही जो है वो खुशियां तलाशे, अपने अंदर ही खुशियां क्रिएट वो करे, इधर उधर उसके लिए भटके ना। ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसा नेचर उसकी बेटी का हो, ऐसा प्रे जो है डब्ल्यू बी यीट्स कर रहे हैं। नेक्स्ट चेंजा में वो कहते हैं माई माइंड बिकॉज ऑफ माइंड्स दैट आई हैव लव्ड, मेरा माइंड, मेरे माइंड में जिनके हिसाब से मैंने जिनको प्यार किया है ना, किसको प्यार किया, जिनको जो पोएट है उनने एक लड़की को के साथ उनका अफेयर था जिसका नाम था मॉडगॉन। तो मॉडगॉन जो है वो ब्यूटीफुल तो थी बट उसने क्या किया, इनके साथ धोखा किया और किसी और से शादी कर ली। तो वो बोल रहा है कि मैं उनको जानता हूँ, मैं उस लड़की को जानता हूँ जिससे मैं प्यार करता था। द शॉर्ट ऑफ ब्यूटी दैट आई हैव अप्रूव्ड, परंतु मैं जो जिस प्रकार की ब्यूटी को अप्रूवल देता हूँ वो कैसी होना चाहिए, प्रॉस्पर बट लिटिल, वो प्रॉस्पर हो मतलब कि अच्छी ब्यूटीफुल हो बट कम हो, बहुत ज़्यादा नहीं, हैज़ ड्राइड अप ऑफ लेट, ताकि वो ऊपर तक जा सके, ऐसी भी नहीं हो कि सिर्फ ब्यूटी के चक्कर में उलझ के रह जाए। येट नोज दैट टू बी चॉक्ड विथ हेट, और बिल्कुल ऐसी ब्यूटी नहीं होना चाहिए जो कि दूसरों से ईर्ष्या करे और दिल में नफरत पैदा करे जिसकी वजह से उसकी जो ग्रोथ है ना, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ क्या हो जाए, चॉक्ड हो जाए, बंद हो जाए। मे वेल बी ऑफ ऑल इविल चांसेस चीफ, क्योंकि अगर हार्ट में कोई नफरत, कोई हेटर्ड हार्ट अगर पाला या हेटर्ड जो है वो आपने पौर करी अपने दिल में पाल के रखी है आपने, तो उससे क्या हो सकता है, कई सारी बुराइयों के चांसेस जो है वो क्रिएट हो जाता है आपके अंदर, कई सारी बुराइयां, जैसे होता है ना गंदा पानी पीने से पेट में कई सारी बीमारियों का हम न्योता देते हैं, उसी तरह से जो दिल की नफरत है वो कई सारी बुराइयों को जन्म देती है। इफ देयर इज नो हेटर्ड इन माइंड, तो पोएट कहता है कि अगर दिमाग में कोई और दिल में कोई नफरत नहीं है, एसल्ट एंड बैटरी ऑफ द वाइंड, तो जो एसल्ट मतलब जो अटैक होता है वाइंड का, तेज हवा का जो अटैक होता है ना, बैटरी मतलब कि एक तरह से आवेश के साथ, तो तेज हवा का हमला और तेज हवा का जो आवेश है वो भी कैन नेवर टियर द लिनेट फ्रॉम द लीफ, तो जो लिनेट पक्षी पत्तियों पर बैठा रहता है उसको उस पत्ती से गिरा नहीं सकता है, उसी तरह से जो नफरत है, उसी तरह से जो बुराइयां हैं, वो एक ऐसे व्यक्ति को जिसके हार्ट में, जिसके माइंड में नफरत नहीं है उसको गिरा नहीं सकती। तो पोएट कह रहा है कि उसकी बेटी में भी इसी तरह का मतलब कि उसका हार्ट होना चाहिए, इसी तरह का उसका माइंड होना चाहिए जिसमें किसी तरह की कोई नफरत ना हो, ताकि बुराइयां उसका कितना भी कोशिश कर ले उसको गिरा ना पाए या उसका कोई नुकसान ना कर पाए। नेक्स्ट चेंज में कहते हैं एन इंटेलेक्चुअल हेटर्ड इज द वर्स्ट, इंटेलेक्चुअल हेटर्ड मतलब जो समझदार व्यक्ति जिस तरह की नफरत करता है, सोच समझ के की गई नफरत जो है वो सबसे बुरी होती है। सो लेट हर थिंक ओपिनियंस आर अकर्स, तो बिल्कुल उसकी बेटी के लिए वो क्या चाहता है कि उसको वो ये सोचा है या उसको ये सोचने पर मजबूर कर दे, उसके पास ऐसा माइंड हो कि ओपिनियंस बनाना दूसरों के लिए वो एक अकर्स मतलब एक श्राप होता है, एक अभिशाप होता है। तो किसी के बारे में भी पूर्व राय बनाना है ना, पहले से अपनी राय देना कि अच्छा है ये बुरा है ना, मिलने से पहले ही कह देना कि अरे यार मुझे इस व्यक्ति से नहीं मिलना, ये तो गंदा व्यक्ति है, बुरा व्यक्ति है, तो इस तरह की ओपिनियंस जो रखते हैं माइंड में वो उनके लिए अभिशाप बन जाती है। तो वो चाहता है कि उसकी बेटी में ऐसा गुण ना हो। हैव आई नॉट सीन द लवलीएस्ट वुमेन बोर्न, अगेन वो कहता है कि क्या मैंने कोई बहुत खूबसूरत वुमेन नहीं देखी है, अगेन वो उसकी गर्लफ्रेंड की बात में बात करता है मॉडगॉन के बारे में कि मैंने देखी है उसको, वो ब्यूटीफुल थी, तो वो कह रहा है कि क्या मैंने नहीं देखी है, मैंने बिल्कुल देखी है।
आउट ऑफ द माउथ ऑफ प्लेंटीज हॉर्न, जो कि कभी प्लेंटीज हॉर्न मतलब प्रॉस्पेरिटी में पैदा हुई थी, है ना। कहाँ पर पैदा हुई थी? प्रॉस्पेरिटी में, एक रिच फैमिली में पैदा हुई थी। परंतु हुआ क्या उसके साथ? बिकॉज अदर ओपिनेटेड माइंड, परंतु वो किस माहौल में रही? अदर दूसरे लोग जो कि ओपिनेटेड माइंड थे, मतलब कि पूर्वाग्रसित लोग थे, पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग थे, या जो जिन लोगों के दिमाग में पहले से ही अंदाजा लग जाता था चीज़ों के बारे में, ऐसे लोगों के बीच में वो रही और उन लोगों ने उससे क्या किया? बार्टर दैट हॉर्न एंड एवरी गुड, उससे अदला बदली कर ली। काहे की अदला बदली कर ली? उसने उनने अपने दिमाग से जो है, अपने ओपिनेटेड माइंड से उसकी जो हॉर्न मतलब की जो समृद्धि थी वो ले ली, प्रॉस्पेरिटी ले ली और हर एक अच्छाइयाँ उसकी छीन ली। बाय क्वाइट नेचर्स अंडरस्टूड फॉर एन ओल्ड बेलोज फुल ऑफ एंग्री वाइंड, और वो सारी चीज़ें जो है उसकी समझ जो है वो नेचुरल जो समझ थी, अंडरस्टैंडिंग थी, वो खत्म हो गई, जिसकी वजह से उसने एक बूढ़े बेलोज फुल ऑफ एंग्री माइंड मतलब एक बूढ़े व्यक्ति से जो कि फुल ऑफ एंग्री माइंड मतलब उससे गुस्से से, गुस्सेल व्यक्ति था, उससे क्या कर ली? उसने शादी कर ली। किसने कर ली? उसकी गर्लफ्रेंड की बात कर रहा है वो, मॉडगॉन की, जिसने शादी कर ली और बाद में अपनी लाइफ उसने पूरी तरह से तबाह कर ली। तो एक ओपिनेटेड माइंड होना भी एक तरह का अभिशाप उसने बताया है, तो वो अपनी डॉटर में ऐसी कोई गुण नहीं चाहता है। आगे कहते हैं नेक्स्ट स्टेंज में, कंसिडरिंग दैट ऑल हेटर ड्राइवन हैंस, अगर हम ये मान लें कि हमारे दिमाग से सारी नफरत हटा दी जाए तो हमारे अंदर क्या होगा? द सॉल रिकवर्स रेडिकल इनोसेंस, तो एक गंभीर जो इनोसेंट पर्सन है उसमें हम कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर नफरत है, अगर उसके दिमाग से सारी नफरतों को हटा दिया जाए तो उसकी आत्मा जो है वो पवित्र हो जाएगी और वो एक रेडिकल इनोसेंस पर्सन, एक गंभीर इनोसेंट पर्सन बन जाएगा। एंड लर्न्स एट लास्ट, और क्या सीख जाए उस पीस उसके अंदर आ जाएगी, शांति उसके अंदर आ जाएगी, उससे क्या सीख जाएगा वो? दैट इट इज सेल्फ डिलाइटेड, कि ये सब चीज़ें तो जो है वो क्या है, खुद के लिए होती है। क्या होती है? खुद के लिए। जो नफरत है वो सिर्फ हम खुद को डिलाइट करने के लिए कर सकते हैं, दूसरों से, दूसरों को हमेशा उससे दुख होता है। सेल्फ एपीसिंग, हम खुद का ही तुष्टीकरण कर रहे हैं, खुद का ही हम क्या कर रहे हैं, खुद को हम समझा नहीं पा रहे हैं मतलब। एंड सेल्फ अफ्राइटिंग, और हमें हमें हमारे माइंड से अगर नफरत हट गई तो हमें खुद को ये बताने के लिए, अफ्राइटिंग का मतलब होता है एक तरह से फियर या स्केयर होता है, तो स्केयरसिटी क्रिएट ना हो आपके अंदर, कोई स्केयर आपके अंदर ना आए, कोई डर आपके अंदर पैदा ना हो, तो ऐसा बनने के लिए आपके अंदर की सारी नफरतें आपको हटाना होगी। अगर आप किसी से नफरत करते हैं तो आपके अंदर डर रहता है कि कोई आपसे भी नफरत करेगा, कोई आपसे लड़ सकता है, झगड़ सकता है। बट अगर आपका हार्ट एकदम प्योर है, आप इनोसेंट हो, तो आपको किसी चीज़ का डर नहीं रहता है, आप खुद से कभी आपको डर नहीं लगेगा, दूसरों से आपको डर नहीं लगेगा। एंड दैट इट्स ओवन स्वीट विल इज हेवंस विल, और ऐसा जो इनोसेंट पर्सन होता है उसकी विल को, उसकी इच्छा को क्या बोला है पोएट ने? स्वीट विल बोला है। तो ऐसा इनोसेंट पर्सन की जो विल होती है वो हेवंस विल मतलब कि स्वर्ग यानी कि भगवान की विल होती है। तो ऐसे इनोसेंट पर्सन की इच्छा ही भगवान की इच्छा होती है। शी कैन, यहाँ पर शी मतलब शी कैन थ्रो एवरी फेस शुड स्कॉल, तो यहाँ पर शी किसके लिए यूज़ किया? उसकी डॉटर के लिए, कि वो उसके क्वालिटी, उसकी स्वीटनेस, उसके इनोसेंस से सारे जो स्कॉल है उनको वो फेस कर पाए। सारे स्कॉल जो है मतलब क्या हुआ, एक तरह से जो बद नज़र होती है, बुरी नज़र होती है दूसरों की, उन सारी बुरी नज़रों को वो फेस कर पाएगी। एंड एवरी वाइंडी क्वार्टर हॉल और एवरी बेलोज बस्ट बी हैप्पी स्टिल, और हर एक उस बुराई को, हर एक उस चीज़ को जो कि बुरी है, जो उसके सामने आ जाती है ना, उनको सबको वो क्या कर देगी, जो मिसफॉर्चून से है उसके सामने आएंगे, है ना। वाइंडी जो हॉल है उसका मतलब क्या हुआ कि ये बोल रहे हैं ना लास्ट, सेकंड लास्ट लाइन में वो क्या बोल रहे हैं कि वाइंडी क्वार्टर हॉल, इसका मतलब होता है जो मिसफॉर्चून उसकी लाइफ में आएगा उसको वो फेस कर पाएगी। बेलो बस्ट मतलब कि जो भी तूफान उसके अंदर आएगा, उसकी लाइफ के अंदर आएगा, उन सब का वो सामना कर सकती है विद द इनोसेंट क्वालिटी, है ना। तो जब वो इनोसेंट होगी तो इन सब चीज़ों का सामना वो कर पाएगी। नेक्स्ट लाइन क्या कहता है? और एवरी बेलोज बस्ट बी हैप्पी स्टिल, वो कितना भी उसकी लाइफ में तूफान आ जाए पर फिर भी वो क्या रहेगी, खुश रहेगी अगर वो इनोसेंट होगी। लास्ट स्टेंज में वो कहता है,
एंड मे हर ब्राइड ग्रूम ब्रिंग हर टू ए हाउस, और वो इच्छा क्या जाहिर कर रहा है कि उसका जो वर है, जिससे उसका जो दुल्हा है जिससे उसकी शादी होगी, वो उसको एक ऐसे घर में लेके जाए वेयर ऑल्स अकस्टम्ड सेरेमोनियस, और जो परिवार पूरा क्या है, अकस्टम्ड परिवार है और एक सेरेमोनियस है ना, ऐसे परिवार में जब वो लेके जाएगा, मतलब एक सभ्य परिवार में वो उसको लेके जाएगा, फॉर एरोगेंस एंड हेटर्ड आर द वेयर्स, और जो एरोगेंस है और जो हेटर्स है ना, एरोगेंस मतलब जो एक तरह का घमंड है और जो नफरतें हैं जो वहाँ पर, ये तो क्या है, एक वेयर्स मतलब सामग्री है, जीवन के ही से जुड़ी हुई चीज़ें हैं ये, एरोगेंस और मतलब घमंड और नफरत जो है वो क्या है, अभिमान और नफरत, ये तो जीवन के ही जो है पहलू है। पैडल इन द थोरोफेयर्स, थोरोफेयर्स मतलब क्या होता है, एक तरह से मार्ग होता है, रास्ता, ये तो जीवन के रास्ते में मिलने वाली चीज़ें हैं। हाउ बट इन कस्टम एंड इन सेरेमनी आर इनोसेंस एंड ब्यूटी बोर्न, तो वो कह रहा है कि किस तरह से कस्टम्ड फैमिली और एक सेरेमनियस फैमिली में इनोसेंस और ब्यूटी जो है वो पैदा होती है। वो कहता है कि सेरेमनी इज अ नेम फॉर द रिच हॉर्न, वो क्या कह रहा है कि रिच पर्सन का नाम ही सेरेमनी है, सेरेमनी का नाम या सेरेमनी का मतलब एक रिच पर्सन होता है। एंड कस्टम फॉर द स्प्रेडिंग लॉरेल ट्री, अगेन लॉरेल जो ग्रीन ट्री है उसकी बात करी उन्होंने, स्प्रेडिंग उसका फैलना, कस्टम का मतलब क्या होता है कि ग्रोथ, एक तरह से जिस तरह से लॉरेल ट्री की ग्रोथ होती है उसी तरह से अगर कस्टम जो है किसी फैमिली में, अगर उसमें जो व्यक्ति रहेगा तो उसकी हमेशा ग्रोथ होगी। तो लास्ट एंजा में वो विश कर रहा है कि उसकी शादी जिस घर में हो वो सेरेमनियस और कस्टम्ड फैमिली हो, जो कि रिच भी हो प्रॉस्पर भी हो, और वहीं पर वो अपने जो इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर है उसको और वो इम्प्रूव कर सके। होप आपको ये पोयम अच्छे से समझ में आई होगी।